पुराने मुशहर जुलाका मल्ला वार्ड नंबर 2 में आज चोरी हो गई और उसी घर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर चोरी हुई है। लगातार चाहे वो दक्षिण जम्मू हो या फिर उत्तर जम्मू हो, घना इलाका है ये। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो अलमीराज हैं जिन्हें खोलकर सामान जो है वो निकाला गया है। और जो घर के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि कैश और ज्वेलरी इनकी थी यहाँ पर। और जो परिवार की जो सदस्य महिला हैं वो खुद BSNL में जॉब करती हैं और उस समय वो अपनी नौकरी पर थी और उनका बेटा भी घर पे नहीं था, घर पे कोई भी नहीं था। ये घर है, ये रूम है। मौका वारदात पर अभी पुलिस भी पहुंची हुई है और जो नुकसान है उसका आंकलन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें इनकी मिसिंग है। क्या नाम है आपका? सर राजेश गुप्ता नाम राजेश है जी, ना। मुझे बताइए कब का वाकया है, आप लोग उस समय कहाँ पर थे? सर सुबह 11:30 बजे के करीब मैं अपने घर से निकला हूँ। मेरी मदर जॉब करते हैं, वो भी चले गए थे, तो मैं 11:30 बजे निकला। तो उसके बाद मैं लाइब्रेरी वगैरह में चला गया, तो मेरी मदर को मैंने 4 बजे पिक किया। तो 4:10 पे जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा लॉक नहीं लगा हुआ था, दरवाज़ा खुला था। तो जब मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो थोड़ा पैनिक सा हुआ। तो मेरी मदर जैसे ही अंदर गई, हमारा जो यहाँ लॉकर रूम है ये खुला हुआ था, सामान सारा आगे पीछे बिखरा हुआ था। तो हमने जैसे ही पास आके देखा तो ये लॉकर्स खाली थे सारे और सामान चोरी हो चुका था। हम पैनिक होके हमने पुलिस को कॉल किया 100 पे। वहाँ से हमें उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर जी का नंबर दिया, उनको हमने कॉन्टैक्ट किया, पुलिस हमारी उसी टाइम आ गई। ने ट्रेस भी करवाया, एक दो लेडीज़ ने उनको ट्रेस भी कर दिया है कि भाई यही बंदा था जो आपके घर के आगे पीछे घूम रहा था। तो अब पुलिस को उनको उन्होंने श्योरिटी दिया और कि अगर फुटेज है CCTV जिसमें वो दिख रहे जी होंगे नहीं सर, किसी हमारे ने यहाँ अगल पे बगल कैमरे लगाए हो? नियर बाय स्कूल है बट वो कैमरा ऑफ है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे चोरी होती है। हमने अपने कॉरपोरेटर को भी बोला है, पुलिस को भी काफ़ी बार बोला है, बट नशे की वजह से क्या होता है कि वो एक बार पकड़ते हैं वो फिर छोड़ जाते हैं। ऐसे है कि नशे की मेन कारण जो है नशे का ही। इतना घनी आबादी नहीं, है ये मुझे एक्सैक्ट पता है कि रात को किसी ने हमें देखा है फंक्शन से आते हुए और इनको पता था कि नेचुरली इन्होंने ज्वेलरी श्वेलरी सब कुछ निकाला होगा और जल्दी जल्दी में रात को 12:15 आए हैं तो सुबह जल्दी जल्दी निकल गए और हमें संभालने का मौका भी नहीं मिला। तो शायद इसी वजह से उनका ध्यान था कि जो बाहर से रात को आए हैं तो नेचुरली उनके पास अगर जेवर शेवर हम ज्वेलरी ज्वेलरी होगी। की बात करें, लगभग कितनी ज्वेलरी थी आपकी मेरे पास कोई सात इसमें? आठ टॉपर्स की जोड़ी थी, रिंग्स थी और भी सामान था। अब मेरे दिमाग में पर फिलहाल ये था और कैश था, कैश कितना था? कैश था जो इसलमान था इतना तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन जो ऐसे कैश था कोई 15-20 हज़ार था। 15-20 हज़ार था। हाँ और उसके अलावा कुछ और तो नहीं, कोई कीमत? नहीं अभी तो मैंने चेक नहीं किया क्या गया क्या नहीं, अब तो मैं चेक करूंगी तो तभी पता चलेगा मुझे। तो ये परिवार है और साफ तौर पे दोनों माँ बेटा यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब यकीनन वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने इनकी पूरी रैकी की हो, पूरा इनके बारे में पता हो कि कभी ये जा रहे हैं कभी आ रहे हैं और घर में किस तरह का सामान है। और ये मौका वारदात की जो भी की विजुअल्स हैं, अलमीरा ये एक यहाँ पर है, नीचे आप देख सकते हैं लॉकर खुला रखा हुआ है और लॉकर से इनकी ज्वेलरी कैश और एक यहाँ से भी लॉकर है। हालांकि और भी चीज़ें उन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, सामान सारा ये बाहर बिखरा हुआ है, मास्क और कुछ पर्स वगैरह पड़े हैं। तो ये अभी फिलहाल ये पूरी जांच का विषय है और उम्मीद यही करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की निशानदेही भी है कि वो यहाँ पे घूमते हुए पाए गए हैं, जो इनके नेबर्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ को देखा है कि कौन लोग हैं उनके बारे में, उनके हुलिये के बारे में पुलिस को बता दिया गया है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है और आए दिन चोरियां होती रहती है, तो उस वजह से लगातार पूरे इलाके में जो है जो थेफ्ट केस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर मैं आपको बाहर की अगर आपको दिखाऊं स्थिति, ये गली है, तंग गली है, बिल्कुल टाइट गली है। और हालांकि देख सकते हैं आप कि एक बाइक अगर आए तो दूसरी बाइक को क्रॉस करने के लिए जगह नहीं होती है, इतनी तंग गली है। आसपास लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर घर में इसकी रैकी करके ये मालूमात रखना कि कब घर पे है कोई घर पर नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर इस चोरी की घटना के बारे में पता चला है, आसपास पड़ोस के तमाम लोग हैं सभी जो बाहर हैं और चिंता सबकी बनी हुई है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नशे में लुप्त पाए जाते हैं और इस इलाके में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में कहीं यहाँ पर हालांकि वो CCTV कैमरा लगा हुआ है, अब ये नहीं पता है कि वो चलता है कि नहीं चलता, वो नहीं चलता CCTV कैमरा, तो यह किस किसने लगाया है? स्कूल वालों ने लगाया। स्कूल नहीं वाला? हाँ स्कूल वालों ने लगाया। तो ये चलता नहीं है? तो नहीं चलता ये। और किसी ने लगाया आसपास और किसी ने लगाया मोहल्ले में? किसी नहीं, नहीं लगाया हुआ? पता नहीं चला, दिन दोपहर को चोरी होगी तो। ये तो बात रात को हाँ, होती है लेकिन दिन के समय ताला तोड़ने की आवाज भी नहीं आई। ताला तोड़ने की नहीं, आवाज उन्होंने नहीं? चाबी से खोला ये। मतलब चाबी उनके पास हाँ बनवा उनके ली उन थी? बनवाई होगी, उन्होंने तभी खोला, आवाज भी नहीं आई हमें। हम तो ये साथ में रहते हैं, दोनों खतरा बन गया मतलब आप लोगों के वो लिए तो भी। हमें भी आप खतरा बन गया, हम अपना घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते कहीं लॉक मार के। पहले चलो लॉक ही ये प्रॉब्लम है। और साफ तौर पर उन्होंने बताया
कि खतरा बढ़ गया हुआ है और इस इलाके में जिस तरह से नशा कर, क्योंकि बहुत सिटी का ओल्ड सिटी है, कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और लोग जो हैं ज़्यादा एक दूसरे के बारे में मालूमात नहीं रख पाते क्योंकि घर के अंदर होते हैं। कई कई मंजिला अगर आप हाइट देखेंगे या डबल फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर के मकान यहाँ पर आम तौर पर हैं लोगों के। और चोरियों की वारदात लगातार बढ़ना, कहीं ना कहीं क्राइम रेट जो है वो जम्मू में बढ़ता जा रहा है। और पॉश एरियाज़ हों, कमर्शियल हाउसेज हों या फिर तंग गलियाँ हों, पुराना शहर हो, हर जगह जो है चोरों की रडार पे। और इतना हौसला क्यों बढ़ा हुआ है ये, इस पर कंट्रोल जम्मू पुलिस को पाना है। और जम्मू पुलिस इस तरह से इसको लेकर कार्रवाई करती है क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार चोरियाँ हुई हैं लेकिन चोरियाँ की वारदात थम नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। और जो ज़्यादा कहें कि पुलिस इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वजह क्या है जो एकदम से पिछले कुछ समय से इतनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। अब क्या निकल के आता है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएगी, लेकिन आप सतर्क रहें, होशियार रहें और कोशिश यही करें कि अगर अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो ज़रूर लगवाएं और अपने घर का जो है पूरा ख्याल रखें क्योंकि जो क्राइम है वो इस समय जम्मू पे एक कहें तो चरम पर है। शर्मा के साथ ख्वाहिश फटियार, स्टेट टाइम्स जम्मू।